गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। जो मैंने यूज़ किया हुआ है ना, मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, मुझे जो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगे, उनमें से टॉप 5 ऐसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप मल्टीपल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लाइक आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। तो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मेकअप रिकमेंडेशन के ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए। मंथली फेवरेट तो मैं बनाती रहती हूँ, अभी कुछ टाइम हो गया मैंने मंथली फेवरेट वीडियो नहीं बनाया है। अभी रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है, रक्षाबंधन गया था, तो रक्षाबंधन के लिए मैंने स्किन केयर और मेकअप दोनों के ही रिकमेंडेशन वीडियो बनाए हुए थे। वो फुल फेस मेकअप वीडियो था, आपको हर एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँ या आई बटन पर भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो या आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो टॉप 5 मेकअप रिकमेंडेशन है। उसमें जो था फुल फेस मेकअप था, लाइक सब कुछ था उसमें, पर आज जो है 5 चीजें मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। सो गाइस, सबसे पहला जो है ये है लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। ये ऑलमोस्ट मेरा फिनिश होने को है, मुझे अभी न्यू बाय करना है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बचा है। ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आती है। इसका जो इंडिविजुअल रिव्यू है अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो आप जाकर डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं ना तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ये जो सीसी क्रीम है ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस है 99 रुपीज़, और इसका कवरेज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एवरी डे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक थोड़ा सा लाइट कवरेज यानी कि फुल कवरेज वाले बेस नहीं चाहिए तो आप ये सीसी क्रीम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फुल कवरेज वाला तो नहीं है, आपको मीडियम कवरेज तक ये मिल जाएगा, शेयर कवरेज मिल जाएगा, मीडियम तक भी मिल जाएगा अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करें, अच्छे से अप्लाई करें तो। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये, मेरे बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इसे, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड भी कर सकती हूँ। सो गाइस, सेकेंड जो प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी ये हम सब लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मेकअप ही पसंद है, पर हम जब मेकअप करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक काजल, लिपस्टिक, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सर शेयर करने वाली हूँ काजल। मेरे पास यहाँ पर 2 वेरियंट हैं, 2 काजल के ऑप्शन हैं। ये पहला जो है प्लम का नेचर स्टूडियो काजल है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, इसका प्राइस है 495 रुपीज़। पर ये जो काजल है ना, ये बहुत अच्छा काजल है। अभी अभी मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, डेफिनेटली आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो काजल है ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग काजल है। अगर आपकी अंडर आई ऑयली है तो ये 4 to 5 आवर्स तक स्टे करेगा, स्मच करेगा, उस बीच में आपको स्मच करेगा, पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्मच करेगा। पाउडर से सेट कर लेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर आपकी अंडर आई जो है वो थोड़ी सी ड्राई साइड पर है तो ये 12 to 15 आवर्स तक भी स्टे करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे काजल लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसमें और थोड़ा सा बड़ा वाला था ये, पर इसे मैंने 2 से 3 बार शार्प कर लिया है तो यह थोड़ा सा फिनिश हो गया। काजल की हालत देख रहे हो, मैंने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी मुझे कोई समर के टाइम है ना, समर के टाइम पर भी इस वाले काजल को यूज करना मुझे काफी ज्यादा पसंद था, क्योंकि समर में होता है ना कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो काजल जो है स्मज हो जाता है। तो वाटरप्रूफ काजल, अभी मॉनसून चल रहा है तो उसमें भी मैं जब बाहर जाती हूँ तो ये इस वाले काजल को लगाती हूँ। जब मुझे लॉन्ग लास्टिंग चलाना होता है कोई काजल को, लंबे टाइम तक मुझे टिकाना होता है तो मैं इस वाले काजल को लगाती हूँ। सेकंड रिकमेंडेशन पर हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, मतलब मैं इसे स्कूल के टाइम से यूज़ करती आई हूँ, ये है लैक्मे की 925 आइकॉनिक काजल। इसके मैंने कितने पैक फिनिश किए मुझे नहीं पता, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश ही है। मैं आपको दूसरा वाला पैक दिखाती हूँ जो मेरा न्यू बाय है, या ये मैंने फिर से बाय किया हुआ है। मैं पर्पल से मैंने इसे बाय किया हुआ था, ये तो फिनिश ही हो चुका है, ये और हो ही नहीं रहा है, मतलब इसमें कोई प्रोडक्ट बचा ही नहीं है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, मैंने इसके 5 to 6 पैक आई थिंक फिनिश कर लिए हैं, उससे ज़्यादा ही फिनिश किया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये जो काजल है ये 180 या 170 रुपीज़ का है, ये अफोर्डेबल साइट पर है, प्लस लैक्मे एक ऐसा ब्रांड है ना हर कोई यूज़ करता ही करता है, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो शेड है मेरा, इसमें शेड है डीप ब्लैक, ब्लैक कलर का काजल ही मुझे लगाना पसंद है। इसमें ब्लू और ग्रीन भी वेरियंट आपको मिल जाएंगे। ये जो काजल है ये
काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये स्मज होता है, पर ऑयली अंडर आई वालों को ये स्मज करेगा, 2 to 3 आवर के बाद स्मज करेगा। ड्राई अंडर आई है ना तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, 5 to 6 आवर्स तक भी ये कहीं नहीं जाएगा। ऑयली अंडर आई वालों का ना ये स्मज तो करेगा, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिमूव हो गया हो, स्मज हो गया हो, थोड़ा बहुत फैलेगा। तो आप इसे पाउडर से सेट कर सकते हैं। ये जो है अफोर्डेबल है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये हमेशा मेरे कलेक्शन में रहता ही है। जैसे कि मेरे पास प्लम का काजल है, पर फिर भी मैंने प्लम के काजल बाय करने के बाद भी मैंने इस काजल को बाय किया हुआ है, क्योंकि एवरीडे के लिए ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट पर, जो हमें मेकअप में सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा है। आप कितना भी मेकअप कर लो पर आपने इस चीज़ को नहीं लगाया तो आपका मेकअप कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में मेरे पास यहाँ पर है आप लोगों के लिए 3 लिपस्टिक के रिकमेंडेशन। दो अलग अलग ब्रांड के हैं पर 3 वेरियंट है। पहला जो है वो स्टे कोकी का लिक्विड लिपस्टिक है। ये जो है न्यूट शेड है, पिंक न्यूट शेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पिंक न्यूट शेड मॉवी शेड लगाना पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे फॉर्मूले के साथ आता है, कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी क्रैकी चैप लिप्स नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ना, ये आपको 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, मिनी और फुल साइज़ के। मेरे पास फुल साइज़ की लिपस्टिक है, इसका प्राइस है 449 रुपीज़। ऑफर के टाइम पे आपको इसको 350-400 तक मिल जाएगा, पर आप मिनी वाला ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि ऑनलाइन में शेड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, स्पेशली न्यूड में, कि पता ही नहीं चलता कि न्यूड शेड हमको सूट करेगा या नहीं। कुछ कुछ न्यूट शेड तो सूट कर जाते हैं, कुछ कुछ जो है वॉश ऑफ करते हैं। तो आप उसमें एक हैक ट्राई कर सकते हैं लिप लाइनर लगाकर, तो या आप मिनी वाला भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है नायका की लिपस्टिक। इस सबका जो लिपस्टिक मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सारे के मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक रेड शेड है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेड है। रेड एक ऐसा शेड है ना, मुझे लगता है हर लड़की के कलेक्शन में होना ही होना चाहिए, क्योंकि रेड एक ऐसा शेड है कि आप मेकअप करो चाहे नहीं करो, रेड लिपस्टिक लगा लिया और बस आपका काम हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, फेस एक बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्लोई लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक ब्राइटनेस ऐड हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। मैं तो जब भी मेकअप नहीं करती हूँ मैं रेड लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ। एवरीडे में भी मैं कंफर्टेबल हूँ रेड लिपस्टिक लगाने में। कुछ लोग होते हैं जो पार्टी वगैरह में ही रेड लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं, तो या वो न्यूड में जा सकते हैं। न्यूड में तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया है, पर रेड लिपस्टिक मुझे लगता है होना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस रेड शेड है और इसका फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपको लगता ही नहीं है कि आपने लिप्स पर कुछ लगाया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्मूले के साथ, कंफर्टेबल फॉर्मूले के साथ आता है और लॉन्ग लास्टिंग भी करता है ये लिपस्टिक, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। नायका की लिपस्टिक जो है ना वो फुल साइज़ और मिनी साइज़ दोनों साइज़ में अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ पर मिनी वाला भी है। ये जो शेड है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जो न्यूट शेड होता है ना, प्रॉपर वाला ब्राउन न्यूट शेड, ये वही वाला शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका पैकेजिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो आप नायका की जो लिपस्टिक होती है वो थोड़ी सी प्राइसी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ 500-600 रुपीज़ होता है, कुछ लोगों के लिए वो एक्सपेंसिव हो सकता है। तो जिन लोगों के लिए नायका की लिपस्टिक अफोर्ड करना, मतलब 500-600 रुपीज़ नहीं पे करना चाहते, तो वो मिनी वाले में ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसका मिनी वाला इसलिए ख़रीदा है क्योंकि न्यूट शेड मुझे नहीं पता था कि मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, तो मैं कन्फ्यूज़ थी। रेड वाला शेड जो है वो ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाता है, तो न्यूट वाला में मैंने मिनी वाला ख़रीदा। मुझे ये बहुत अच्छे से सूट किया और बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है सच में, तो इसलिए मैंने इसका फुल साइज़ भी बाय करने के बारे में सोचा है। तो या इसका इसका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अच्छा है। मिनी साइज़ में अगर आप मिनी लिपस्टिक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा शेड को ट्राई कर सकते हैं। मिनी मिनी के छोटे छोटे साइज़ के लिपस्टिक आप काफ़ी सारे शेड रेंज को ट्राई कर सकते हैं। फुल साइज़ का आप खरीद खरीद के कितना भी खरीदोगे, क्योंकि 500-600 रुपीज़ एक लिपस्टिक का कॉस्ट करता है। अगर आप खरीद सकते हैं, अगर आप बाय कर सकते तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये दोनों ही लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे सच में, आप ट्राई कर सकते हैं। और शेड रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ब्राउन, रेड, कोरल, पिंक, न्यूट सब कुछ मिल जाएगा, प्लम शेड और डीप पिंक, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं।
सो गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल है। ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर। मैंने इससे ज़्यादा कम प्राइस का आईलाइनर अभी तक नहीं देखा है। ये सबसे ज़्यादा कम प्राइस का है। मुझे आईलाइनर जब लगाना नहीं आता था, मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी, तो मैं एक अफोर्डेबल आईलाइनर पे इन्वेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसी आईलाइनर मैं नहीं बाय करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पहले आईलाइनर लगाना नहीं आता। अभी भी मुझे परफेक्ट आईलाइनर लगाना नहीं आता। अभी भी मैंने आईलाइनर लगाए जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा बाद में। तो इसका प्राइस है 50 रुपीज़। इससे ज़्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल आईलाइनर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस ये आईलाइनर जो है ना, इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। इसकी टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से विंग आईलाइनर, बेसिक आईलाइनर, किसी भी तरीके का आईलाइनर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस इसका जो एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, वो वाटरप्रूफ नहीं है। इसमें आउटर बॉक्स पर जो है वाटरप्रूफ मेंशन है यहाँ पर ये जो आईलाइनर है ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉन वाटरप्रूफ है, वॉशेबल है। तो या उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, आउटर बॉक्स पर मेंशन है तो वाटरप्रूफ मत सोच लेना। पर यह आपको 50 रुपीज़ में और क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डेफिनेटली मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस, ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, बाकी इसकी सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपको इसको देखिए कितना ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, और बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लैक कलर है। 50 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई करना। बस ये वाटरप्रूफ नहीं है, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा है। 50 रुपीज़ में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। आपने मेरे वीडियो में काफ़ी टाइम से इसे देखा होगा। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। मेरा इसमें शेड है रोज इन द एयर। ये जो आई शेडो पैलेट है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका शेड काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल शेड आपको मिल जाएगा। और इसका शेड जो है ना, मैं आपको डेफिनेटली इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे बाय करो। उसका रीज़न ये है कि आप एक आई शेडो पर इन्वेस्ट करोगे ना, आपको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको यहाँ पर ब्लश का शेड मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर हाइलाइटर का शेड मिल जाएगा। आप अपने ब्राउ को इससे फिल कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, ब्रॉन्जिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एज ए आई शेडो तो आप इसे इस्तेमाल कर ही सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपना रक्षाबंधन का मेकअप लुक भी इसी आई शेडो को इस्तेमाल कर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टर्नआउट हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट मुझे आए थे। तो या सो मैंने अपना रक्षाबंधन का मेकअप लुक जो है ना, इसी आई शेडो को इस्तेमाल कर मैंने किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टर्नआउट हुआ था। तो इस वाले आई शेडो को मैं बाय करने के लिए इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि अलग से आप ब्लश खरीदने जाओगे, हाइलाइटर खरीदने जाओगे, ब्रॉन्जर खरीदने जाओगे या कॉन्टोर खरीदने जाओगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। पर इसमें आपको सिर्फ 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आपको आई शेडो मिल रहा है, आप इससे फुल फेस मेकअप लुक कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर प्लस वेट एंड वाइल्ड एक बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, तो और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी। इतना छोटा सा आई शेडो आपका ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, ट्रैवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। एक आई शेडो से आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप अपने मेकअप को भी सेट कर सकते हो इस वाले शेड से। तो यार डेफिनेटली मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करी हूँ यूज़ करना, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप अगर इस आई शेडो को बाय करते हो तो आपको, अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो आप इससे अपना फुल फेस मेकअप लुक कर सकते हो। मैंने भी किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा रक्षाबंधन वाला मेकअप लुक डेफिनेटली जाकर आप उसे देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मेकअप लुक, पहले भी मैं ये बोल चुकी हूँ। ओके गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आए, अच्छा लगे। ये थे मेरे टॉप 5 मेकअप रिकमेंडेशन जो मैं आपको रिकमेंड किया है, जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वही मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। मैंने इसका स्किन केयर वाला जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आई होप आप उसे भी जाकर देखिए। या तो वो इस वीडियो के पहले आएगा या बाद में आएगा, जब भी आएगा आप देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी बना सकूँ। तो या बाय।